राम राम जी संजीवनी काया शोधन संस्थान राम शरणम आश्रम जींद रोड गोहाना सोनीपत हरियाणा परिवार की तरफ से इस लाइव योगा सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आप सभी हमारे साथ इस वक्त साथ में हैं इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए हाई ब्लड शुगर के लिए कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हों और उसके लिए आपको कोई भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट या थेरापी की ज़रूरत पड़ रही हो या आपने कोरोनरी आर्टिस्ट बाईपास क्राफ्टिंग करा चुके हैं एनजो प्लास्टिक करा चुके हैं और अब कभी भी आपको रीडू सर्जरी की आवश्यकता ना हो तो हमने किया था फर्स्ट क्रम अप टू डाउन का उसके बाद हमने सेकंड क्रम किया था डाउन टू अप का और उसके बाद हमने थर्ड क्रम किया था पीठ के बल लेट कर फिर हमने फोर्थ क्रम किया था पेट के बल लेट कर और फिर हमने किया था घुटनों के बल और खड़े होकर की जाने वाली योगिक किराओं का अभ्यास आज इसी सीरीज के अंतर्गत इसी क्रम के अंतर्गत हम आपको कराएंगे योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास योगिक सूर्य नमस्कार करने से पूर्व इन योगिक किराओं को करने के पूर्व सबसे पहले हम पांच बार ओम शब्द की ध्वनि करेंगे तो आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठेंगे दरी पर कंबल पर मैट पर चटाई पर आराम पूर्वक सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे दोनों हाथों की इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बनाए कमर मेरुदंड सीधा आंखें बंद और नाक से खूब गहरा और लंबा सांस लेकर ओम शब्द की ध्वनि करेंगे आरंभ कीजिएगा ओ तेलियों को आपस में रब करेंगे और इनके मध्य वाले भाग को आँखों को लगाएंगे पामिंग करेंगे और अब हम करेंगे योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास यानी सूर्य को नमन करने की जो योगिक क्रिया है सूर्य साक्षात देवता है ऋषि महर्षियों ने अपने गहन मनन और चिंतन के आधार पर अपनी बुद्धि और पराबुद्धि के आधार पर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए साथ में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार की योगिक कैराओं का अभ्यास बताया है सूर्य में कुछ अद्भुत गुण होते हैं जो किसी और देवी देवताओं में नहीं होते हैं और वो अद्भुत गुण क्या है कि सूर्य परम सौंदर्यवान है सूर्य परम ऐश्वर्यवान है सूर्य परम ख्यातिवान है सूर्य परम त्यागवान है और सूर्य परम त्यागवान है तो यदि हमें भी सौंदर्यता ऐश्वर्यता ख्यातिवान ज्ञानवान त्यागवान और सशक्तिवान बनना हो तो ऋषि बैंशी कहते हैं कि हमें भी इस प्रकार की कैराओं का अभ्यास करना चाहिए इस सूर्य नमस्कार में बारह स्थितियां बनती हैं जो बारह राशियों को इंगित करती है सूर्य प्रति तीस दिन एक राशि के क्षेत्र में जाता है और उसके ऊपर अपनी विजय प्राप्त करता है अगले तीस दिन फिर वो किसी दूसरी राशि में जाता है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है ऐसे बारह महीने में सूर्य घूमता रहता है और बारह राशियों पर उसके प्रत्येक तीस दिन में उस राशि के प्रभाव क्षेत्र में जाता है इसीलिए ऋषि महर्षियों ने इसे बारह स्थितियों में बताया है जैसे सूर्य उदय होता है उसके बाद इसका मध्यान्ह आता है और फिर सूर्य अस्त होता है जो तीनों देवताओं जैसे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को इंगित करता है सूर्य में कुछ अद्भुत गुण होते हैं उन सारे गुणों को प्राप्त करने के लिए यानी हमें मानसिक शारीरिक और आत्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए प्रोग्रेस करने के लिए हमें इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि सूर्य नमस्कार हमेशा दरी पर कंबल पर बैठकर करेंगे हमेशा खाली पेट करेंगे कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करेंगे करने से पहले और करने के बाद आपको साथ के साथ ही मूत्र त्याग जरूर से कर लेना चाहिए यानी अपना यूरिनरी ब्लैडर खाली जरूर कर लेना चाहिए और आरंभिक स्थिति में हमें सूर्य नमस्कार करते वक्त सहज स्वाभाविक और सरल आती जाती श्वास पर ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना सांस श्वास का लेना सांस का रोकना सांस का छोड़ना हमें प्राणायाम में करना है सूर्य नमस्कार उन लोगों को नहीं करना जिन्हें घुटनों में दर्द है या फॉरवर्ड बेंडिंग करते वक्त बैके को तो आपको नहीं करना आपको बैठ कर देखना है। उसका ध्यान करना है और अंतिम बात सूर्य नमस्कार को करने के बाद क्वेश्चनों के लिए हमेशा वासन का अभ्यास जरूर से करना है तो अब हम करते हैं मंत्रों के साथ योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आप जो भी कर सकते हैं मेरे साथ करेंगे जो नहीं कर सकते हैं वो बैठ कर देखेंगे घुटनों में दर्द हो या आगे झुकते वक्त आपको अगर कमर में दर्द हो तो प्लीज़ आप बैठ कर देखें अन्यथा आपसे जितना हो सके मंत्रों के साथ योगिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो अब आरम्भ करते हैं तो आप आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से खड़े हो जाइएगा दोनों पैरों को आपस में मिला लें हाथों को इस प्रकार से जोड़ लीजिएगा इसे प्रणाम आसन कहते हैं दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर कोनी से फेफड़ों को दबाएंगे ठूटी उंगलियों पर टिकाएंगे प्रणाम आसन, आंखें बंद और अब अपने मन को आज्ञा चक्र पर जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं सूर्य देवता का मनन करेंगे सूर्य देवता का चिंतन करेंगे और सूर्य देवता से ही प्रार्थना करेंगे कि आपको कोई भी मानसिक शारीरिक और आत्मिक कष्ट की अनुभूति ना हो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें और एक मंत्रा का उच्चारण करेंगे ओम में मित्र नमः ओ मित्र नमः मित्र यानी दोस्त हमेशा हमें हमारे दोस्तों का संग बना रहे और तीन हमारे मित्र हैं विवेक धैर्य और साहस और हमने सूर्य देवता से प्रार्थना करी है कि हमें हमेशा इन तीनों मित्रों का यानी विवेक धैर्य और साहस हमेशा हमारे में बना रह सके दूसरी स्थिति आंखें खोलकर हाथ ऊपर की तरफ जितना आप जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे इसे कहते हैं उत्तान हस्तासन का अभ्यास टू आराम आराम पूर्वक स्थिति में करेंगे स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ थ्री इसे कहते हैं पाद हस्तासन का अभ्यास फोर इसमें आप लेफ्ट लेग पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और दृष्टि आसमान की तरफ रखेंगे घुटना जमीन को हुआ है पंजा मेरा खड़ा है इसे कहते हैं अश्व आसन फाइव दोनों पैर पीछे की तरफ पर्वत आसन का अभ्यास जितना आप अंदर ले जा सकते हैं पैर आपस में मिले हुए हैं हाथ अपने स्थान पर है गर्दन अंदर की तरफ जो कि वात पित्त कप संबंधित सभी रोगों का निवारण करती है वात पित्त कप संबंधित समस्याओं का समाधान करती है उन्हें समावस्था में लेकर आता है पर्वत आसन सिक्स मकर आसन साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे सूर्य देवता को अष्टांग आसन कहते हैं इसे इसमें आठ अंग हमारे जमीन को लगे हुए हैं जैसे नाक छाती हथेली हमारा घुटने पैरों के अंगूठे हमारा खाली मूत्र और गुदादार ऊपर की ओर उठा हुआ है अष्टांग आसन का अभ्यास सेवन आप इस प्रकार से भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएंगे सिर्फ नाभि से ऊपर के से को पैर मिले हुए कोनी कमर के पास दृष्टि आसमान की तरफ जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हाई ब्लड शुगर के लिए डिप्रेशन एंजाइटी के लिए विशेष रूप से किया जाता है और अब लौटकर फिर से आप इस प्रकार से पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे समझ समझ कर का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर से लेफ्ट लेग आगे की तरफ लाएंगे जो पैरा पीछे लेकर गए थे वही पैर आप आगे की तरफ लेकर आएंगे दूसरे पैर का घुटना और पंजा जमीन को लगा हुआ है दृष्टि आसमान की तरफ है आशु संचालना आसन का अभ्यास और उसके बाद फिर टेन पादस्तासन का अभ्यास पैर आपस में मिले हुए हैं और उसके बाद इलेवन में दोनों हाथ ऊपर की तरफ हाथ उत्तान पाद आसन और उसके बाद ट्वेल्व में आकर आप इस प्रकार से आसन की स्थिति में आ जाएंगे कोनी से फेफड़ों को दबाएंगे और ठुड्डी को अंगुलियों पर टिकाकर कर आके बंद अब हम इसी प्रकार से इसको ट्वेल्व टाइम्स करेंगे और हर बार मंत्रों का जाप करके करेंगे अब आपसे जितना हो सके उतना आप मेरे साथ करेंगे दूसरी स्थिति के लिए फिर से आप पैरों को आपस में मिला लें हाथों को आपस में जोड़कर कोनी से फेफड़ों को दबाकर आंखें बंद और एक दूसरे मंत्रा का उच्चारण करेंगे ओम रवै नमः ओम रवैये नमः यानी रवि यानी चमकता हुआ प्रकाश आंखें खोलकर हाथ ऊपर की तरफ टू आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार करेंगे थ्री फोर अब राइट लेग पीछे की तरफ लेकर जाएंगे अब की बार और दृष्टि आसमान की तरफ घुटना जमीन को पंजा जमीन को लगा हुआ है दृष्टि आसमान की तरफ फाइव दोनों पैर पीछे की तरफ पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे गर्दन अंदर की तरफ पैर आपस में मिले हुए हैं हाथ अपने ही स्थान पर है सिक्स साष्टंग दंडवत प्रणाम सूर्य देवता को अष्टांग आसन का अभ्यास सेवन आसन का अभ्यास जो कि साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में विशेष रूप से किया जाता है और अब लौटकर पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे इस प्रकार से मेर को देखकर समझकर आप आसन का अभ्यास करेंगे नाइन राइट लेग आगे की तरफ लाएंगे दोनों हथेलियों के बीच में पैर को उठाकर इस प्रकार से रखेंगे दूसरे पैर का घुटना और पंजे जमीन को लगे हुए हैं टेन दोनों पैर आगे की तरफ इस प्रकार से पादस्तासन इलेवन हाथ ऊपर की तरफ और ट्वेल्व में फिर से ब्रह्मांड की कॉस्मिक रेस को खींचकर आकर आपको प्रणाम आसन की स्थिति में आ जाना है यह हमारा एक पेयर हो गया यानी एक बार हमने लेफ्ट से किया और फिर हमने इसी को करने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा शव आसन का अभ्यास आराम पूर्वक स्थिति में आप इस प्रकार से लेट जाइएगा दोनों पैरों में थोड़ा अंतर हथेलियों का रुख आसमान की तरफ आधी मुट्ठी खुली आधी मुट्ठी बंद आंखें बंद और अब अपने मन को अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर के चोटी वाले स्थान तक की यात्रा में लगा ले तो सिर के चोटी वाले स्थान से लेकर पैर के अंगूठे तक की यात्रा में लगा लें एक एक अंगों का निरीक्षण करें एक एक अंगों की कार्य प्रणाली को देखें एक एक अंगों की होने वाली संवेदनाओं को अनुभूत करें और ऐसा महसूस करें ऐसा अनुभूत करें कि आपका प्रत्येक अंग बहुत ही धीरे धीरे शांत तो बहुत ही धीरे धीरे शिथिल हो रहा है शीथिल, शीथिल, शीथिल। शीथ। आपका संपूर्ण शरीर शांत हो रहा है आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है कोई कर्म नहीं कोई धर्म नहीं कोई बंधन नहीं आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं आप बंधनों से मुक्त हो चुके हैं हो। और अब हम करेंगे पांच बार ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास ये प्राणायाम भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्राणायाम है इसमें आपका सारा चाहे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो के लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है साथ में आपके मन मस्तिष्क में गुंजायमान करता है हमारे ब्रेन के एक एक न्यूरोन्स को प्रभावित करता है रिपेयर करता, करता, करता है रीजनरेट करता है रीग्रोथ करता है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास महाप्राण के ध्वनि का अभ्यास पहली अंगुली से इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करें आंखें बंद और नाक से सांस को लेकर नाक से ही भ्रामरी प्राणायाम करेंगे भ्रमर क्यों को कान में घुमाइएगा इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा तीन से पांच बार कान की लोब्स को पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे जिसको नोजिया रहती हो वॉमिटिंग रहती हो गिडीनेस रहती हो चक्कर आते हो जी घबराता तीन से पांच बार इस प्रकार से खींचेगा तीन से पांच बार ऊपर की तरफ पूरा कान को ट्विस्ट करेंगे क्लॉक में एंटी क्लॉक में करेंगे दो उंगलियों के बीच में कान को फंसाकर कान के पीछे की मसाज करेंगे और अब 50 बार आपको खिल खिलाकर हंसना है ये भी हमारे अपर और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक करता है और साथ में तालियों का गुंजन करेंगे यही सारे हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं हमें हर रोज दिन में दो बार खूब मन से खिल, खिल खिलाकर हंसना चाहिए जिससे हमारा सारे वाइटल ऑर्गन्स प्रभावित हो सके करते हैं मेरे साथ साथ कीजिएगा फिफ्टी टाइम्स बहुत ज्यादा दिल खोल कर हंसने की कोशिश करेंगे

वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी हा 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 फोर्टी एट फोर्टी ओ हा हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे और इनके मध्य वाले भाग को आंखों को लगाएंगे चारों को स्पर्श करेंगे थोड़ी सी गले की मसाज करेंगे आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ और हाथों को इस प्रकार से स्पर्श कर ले आइएगा आप हर रोज इस प्रकार से जो संजीवनी काया शोधन संस्थान रामचरण आश्रम की तरफ से ये जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल तैयार किया गया है उसमें आपको सबको सम्मिलित होना चाहिए आप भी आओ और अपने परिवार को भी लेकर आओ और रोज़ करो हर रोज़ करो रोज़ाना करो ये तो एक अभ्यास है जो आपको जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए और इस थेराप्यूटिक्स योगी राव में देखो कोई ड्रग्स नहीं है कोई मेडिसिन का उपयोग नहीं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं और कोई भी एज ग्रुप वाला व्यक्ति हो इन योगी किरायाओं का अभ्यास कर सकते हैं आपको सीखना है समझना है और फिर करते रहना है इसलिए आप लोग हर रोज़ जुड़े रहिएगा आइएगा हम आपका आभार व्यक्त करते हैं आपका धन्यवाद अदा करते हैं अब आप में उसके बाद जब आप सामान्य हो जाए तो आपको फिर से इसको छोटे रेशो प्रपोशन के अनुसार करना चाहिए लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको जरूर से करना चाहिए सबको क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए तभी आपकी समस्या केवल इस प्राणायाम को करने से भी दूर हो जाएंगी और मैं सभी से आप सभी साधकों से सभी स्वास्थ्य साधकों से जो स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं हमारे साथ साथ उन सब से मैं हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं के बारे में पूछें ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं को हमको चैट बॉक्स में लिखकर भेजें हम आपको फ्राइडे को इसी टाइम सेवन थर्टी से एट फिफ्टीन के बीच में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे उत्तर देंगे और कोशिश करेंगे क्या हमारे बताए अनुसार रेमेडी से आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाए आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं इसलिए हमने अब विचार किया है हमारे संजीवनी परिवार ने कि हम आपको एक दिन फ्राइडे को उस दिन हम आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकें आपको रेमेडीज़ बता सकें और आपको क्या खाना है क्या पीना है क्या नहीं खाना है क्या नहीं पीना है सुबह दोपहर शाम आपको किस प्रकार का आहार का सेवन करना चाहिए वो हम सब बताने की कोशिश करेंगे इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप चैट बॉक्स में प्रतिदिन अपने प्रश्नों को अपनी समस्याओं को लिखें कमेंट्स बॉक्स में डालें हम फ्राइडे को शुक्रवार के दिन आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का अथक प्रयास करेंगे आप पांच बार ओम शब्द की ध्वनि करेंगे तो आप जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठेंगे हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर आंखें बंद और नाक से सांस को लेकर ओम शब्द की ध्वनि कीजिएगा ओ... दोनों हथेलियों को आपस में फिर से रब करेंगे और फिर इनके मध्य वाले भाग को आँखों को लगाएंगे पामिंग करेंगे चेहरे को स्पर्श करेंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे कल हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक आप सभी से आज्ञा जाते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार राम राम